मैं रोज उराम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, रामगढ़ कॉलेज रामगढ़, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से इतिहास विषय के अंतर्गत समुद्रगुप्त के उपलब्धियों के बारे में जानकारी दे रही हूँ। समुद्रगुप्त को गुप्त राजवंश का महानतम और श्रेष्ठ राजा माना जाता है। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। चंद्रगुप्त ने अपने अनेक पुत्रों में से समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी चुना और अपने जीवन काल में ही समुद्रगुप्त को शासनभार सौंप दिया था। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त का बड़ा पुत्र नहीं था, अतएव उसके भाइयों ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया। समुद्रगुप्त उनके विरुद्ध युद्धों में विजयी हुआ और उसके पश्चात उसने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। पिता की मृत्यु के बाद उसने राज्य पर शासन करना शुरू किया और जब तक पूरे भारत पर जीत हासिल नहीं किया तब तक उसने आराम नहीं किया। उसके शासनकाल को एक विशाल सैन्य अभियान के रूप में वर्णित किया जाता है। समुद्रगुप्त दिग्विजय की भावना से परिपूर्ण था और साम्राज्य का अधिकतम विस्तार उसका लक्ष्य था। समुद्रगुप्त एक सफल सेनापति था और वह अपने जीवन में कभी पराजित नहीं हुआ। उसकी सैनिक सफलताओं के कारण डॉक्टर स्मिथ ने उसे भारतीय नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त के इतिहास के बारे में जानने का मुख्य साधन प्रयाग प्रशस्ति है, जो समुद्रगुप्त के मंत्री हरिसेन की रचना है। प्रयाग प्रशस्ति के आधार पर समुद्रगुप्त के विजयों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब चर्चा करते हैं समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की। पहला, आर्यवर्त का विजय अभियान। प्रथम विजय अभियान के दौरान समुद्रगुप्त ने तीन प्रमुख शक्तियों अच्युत, नागसेन, कोतकुलज आदि को पराजित किया। दूसरा, दक्षिणापथ का विजय अभियान। इस विजय अभियान के दौरान समुद्रगुप्त ने जिन राजाओं को पराजित कर बंदी बना लिया था वे थे कोसल के राजा महेंद्र, महाकंतार के राजा व्याघ्रराज, कौशल के राजा मंटराज, पिष्टपुर के राजा महेंद्रगिरी, कुट्टूर के राजा स्वामीदत्त, एरंडपल के राजा दमन, कांची के राजा विष्णुगोप, अवमुक्त के राजा नीलराज, वेंगी के राजा हस्तिवर्मा, पालक नरेश उग्रसेन, देवराष्ट्र के राजा कुबेर, कुस्थलपुर के राजा धनंजय। इस तरह समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के अधिकांश राजाओं को परास्त किया था। तीसरा, आर्यवर्त का द्वितीय युद्ध। दक्षिणापथ विजय के बाद समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में एक और युद्ध किया जिसे आर्यवर्त का द्वितीय युद्ध कहा गया। पहले युद्ध के दौरान समुद्रगुप्त ने सिर्फ उन्हें परास्त किया था, लेकिन आर्यवर्त के दूसरे युद्ध में उसने उत्तर भारत के राजाओं का उन्मूलन कर दिया। प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति में 9 राजाओं का उल्लेख किया गया है। वे हैं रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपतिनाग, नागसेन, अच्युत, नंदी और बलवर्मा। अब बात करते हैं चौथे अभियान की। चौथा अभियान था आठविक राज्य पर विजय प्राप्त करना। फ्लीट के मतानुसार उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के वन प्रदेश तक आठविक राज्य फैले हुए थे। उत्तर तथा दक्षिण भारत के बीच यातायात को सुगम एवं अवरोध मुक्त करने के लिए आठविक राज्यों को नियंत्रण में रखना आवश्यक था। प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने आठविक राज्यों को अपना सेवक बना लिया था। और इसके बाद पांचवा, सीमावर्ती राज्यों पर विजय। प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है कि 5 राज्य तंत्रात्मक प्रयंत्र राज्य समतट राज्य डवाक, कामरूप, नेपाल, कर्तृपुर के राजाओं ने समुद्रगुप्त के प्रभाव को देखते हुए स्वयं ही आत्मसमर्पण कर दिया। छठा, गणराज्यों पर विजय। समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में 9 गणराज्यों को पराजित किया था। ये गणराज्य थे मालव, अर्जुनायन, यौधे, भद्रक, अभीर, प्रार्जुन, सनकानिक, काक और खरपरिक।
इन सबके अतिरिक्त समुद्रगुप्त ने अन्य छोटे छोटे राज्यों को भी अपने अधीन कर लिया था तथा उन पर कर लगा दिया। और इसके बाद चर्चा करते हैं समुद्रगुप्त के विदेशी राज्यों से संबंध के बारे में। समुद्रगुप्त के राज्य की सीमा के निकट के भारतीय और विदेशी राज्यों से अच्छे संबंध थे। उत्तरी पश्चिमी सीमा और पंजाब के कुषाण राज्यों, पश्चिमी भारत के शक राज्यों, श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशिया के राज्यों से समुद्रगुप्त के मधुर संबंध थे और ये सभी राज्य उसे आदर की दृष्टि से देखते थे। समुद्रगुप्त एक महान सेनापति और विजेता था। अपने शासनकाल में समस्त आर्यावर्त, आटविक राज्यों, दक्षिणापथ, सीमावर्ती राज्यों तथा प्रमुख गणराज्यों एवं द्वीपों पर विजय प्राप्त की। उसका साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य के भूभाग तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में पूर्वी मालवा तक फैला था। समुद्रगुप्त ने भारतीय इतिहास में एक नए युग का निर्माण किया। उसका एकमात्र उद्देश्य अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करना था। उसने छोटे छोटे राज्यों के विघटन को रोकने का प्रयास किया। उसने केवल एक विशाल साम्राज्य की स्थापना ही नहीं की, वरन उसे संगठित करके एक शक्तिशाली और सुव्यवस्थित केंद्रीय शासन की भी स्थापना की। समुद्रगुप्त एक योग्य कूटनीतिज्ञ भी था। दक्षिण भारत के राज्यों को जीतकर उन्हें उनके शासकों को वापस कर देना, अपने सीमाओं पर अधीनस्थ शासकों के राज्यों को रहने देना, जिससे वे उसके और पड़ोसी राज्यों के बीच सुरक्षा पंक्ति की भांति रहे, अपने पड़ोसी राज्यों से अच्छे संबंध स्थापित रखते हुए उनमें अपने प्रति भय और सम्मान की भावना को बनाए रखना, उसकी कुशल कूटनीतिज्ञता को सिद्ध करते हैं। समुद्रगुप्त योग्य व्यक्ति और योग्य शासक होने के साथ साथ विद्वान भी था। उसने विभिन्न प्रकार की मुद्राएं जारी की, जिनसे उनके गुण और कर्म प्रकट होते हैं। उसके समय में प्राप्त सिक्कों में अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि चिरकाल से ना होने वाले अश्वमेध यज्ञ का उसने फिर से अनुष्ठान किया। एक सिक्के पर उसे कविराज और एक अन्य सिक्के पर वीणा बजाते हुए अंकित किया गया है, जो उसके गान विद्या के शौकीन होने को दर्शाता है। डॉक्टर आरसी मजुमदार ने उसके बारे में लिखा है, एक योग्य सेनापति और कूटनीतिज्ञ के अलावा समुद्रगुप्त में मस्तिष्क और हृदय की अन्य ऐसी अनेक योग्यताएं थी जो जीवन में शांति की प्राप्ति में अधिक सहायक थी। उसके द्वारा प्रचलित सिक्के उस समय की कला की प्रगति के प्रतीक हैं। उसने विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया, जिससे उस काल में साहित्यिक प्रगति भी हुई। ब्राह्मण धर्म का समर्थक होते हुए भी वह बहुत उदार और सहिष्णु था। वह दान दक्षिणा भी बहुत देता था। उसने श्रीलंका के शासक को गया में बौद्ध विहार के निर्माण की स्वीकृति दी थी। समुद्रगुप्त का समय राज विस्तार, शासन, साहित्य, कला, धर्म आदि सभी दृष्टियों से प्रगति का था। प्रायः सभी इतिहासकारों ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा की है। डॉक्टर स्मिथ ने लिखा है, समुद्रगुप्त अद्वितीय व्यक्तिगत गुणों और विभिन्न असाधारण योग्यताओं से पूर्ण व्यक्ति था। वह एक वास्तविक पुरुष, एक विद्वान, कवि, गायक और योद्धा था। इसी प्रकार आरसी मजुमदार ने लिखा है, इसमें संदेह नहीं कि समुद्रगुप्त का व्यक्तित्व प्रभावशाली और असाधारण था और उसने भारतीय इतिहास में एक नवीन युग का प्रारंभ किया। समुद्रगुप्त के समय में जो प्रगति हुई, उसके कारण ही गुप्तकाल प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहलाने की श्रेणी में गिना गया है। समुद्रगुप्त से संबंधित जानकारियों में आज के लेक्चर में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आप अपने घरों में खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी। घर में रहें, मास्क का उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर स्वस्थ और सुरक्षित रहें।
साथ ही वैक्सीन लेना ना भूलें। धन्यवाद।